नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और इस वीडियो में हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। 1 अक्टूबर 2020 की बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि काफी समय से लॉकडाउन की वजह से आपके स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सभी बंद है, उस पर भारत सरकार का नया आदेश आया है जो कि 30 सितंबर 2020 से है, जिसमें तारीख बता दी गई है, डेट बता दी गई है कि कब से आपके स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सभी खोले जा सकते हैं। तो वो तारीख बता दी गई है, इस वीडियो में हम उसके बारे में ही बात करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, ध्यान से देखें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीधा हम उसके ऊपर, खबर के ऊपर ही चलते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, स्कूल कॉलेजेस इन इंडिया अलाउड टू रीओपन फ्रॉम अक्टूबर 15 इन अ ग्रेडेड मैनर अंडर अनलॉक 5.0 गाइडलाइन, यानी कि स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अब 15 अक्टूबर से खोले जा सकते हैं। जो भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोले जा सकते हैं और जो भी यूनिवर्सिटी खोलना चाहती है, अपने क्लासेस लगाना चाहती है, तो 15 अक्टूबर 2020 से वो ये काम शुरू कर सकती है। जैसा कि अनलॉक 5.0 गाइडलाइन में आदेश जारी कर दिया गया है। इससे पहले आप जानते हैं कि मार्च में जो लॉकडाउन चालू हुआ था, तब से सभी तरीके के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद हैं, लेकिन 30 सितंबर 2020 को जो गाइडलाइंस आई हैं अनलॉक 5.0 की, उसमें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के बारे में बात की गई है और कहा गया है कि 15 अक्टूबर से एक ग्रेडेड मैनर में उनको खोला जा सकता है, कि 15 अक्टूबर से उनको आदेश है कि वो अपना प्लान पूरा सेटअप करें और धीरे धीरे स्टूडेंट्स को और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को अपने यहाँ पर पढ़ाई के लिए भेजे। इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें ये जरूर कहा गया है कि जो अटेंडेंस होगी वो वॉलंटरी होगी, यानी कि किसी भी स्टूडेंट को मजबूर नहीं किया जा सकता या कंपल्सरी नहीं है कि आपको कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज या कॉलेज खुलने के बाद, स्कूल खुलने के बाद आना कंपलसरी है। यानी कि अगर 15 अक्टूबर को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुल भी जाते हैं और अगर आपको लगता है कि आप नहीं जा सकते, तो इस पे आप पर दबाव नहीं डाला जाएगा क्योंकि इसको कंपलसरी नहीं किया गया है। साफ लिखा गया है कि ये वॉलंटरी है, 15 अक्टूबर 2020 से आपको छूट दे दी गई है कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल को कि आप अब स्कूल, कॉलेजेस खोल सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं उनका आना कंपलसरी नहीं है, वॉलेंटरी है। जो भी स्टूडेंट आना चाहता है पेरेंटल कंसेंट से, यानी कि अपने परिवार की रजामंदी के बाद, तो वो जरूर आ सकता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक स्कूल, कॉलेजेस बंद थे, उसकी वजह से काफ़ी तरह की समस्याएं आ रही थी, लेकिन अब 15 अक्टूबर से उनको खोलने का आदेश दे दिया गया है। यानी कि नवंबर में आपके, जैसा कि इससे पहले UGC की जो गाइडलाइन आई थी कि नवंबर से आपका कोर्स स्टार्ट किया जाएगा, चाहे वो यूनिवर्सिटी के आपके फर्स्ट ईयर का कोर्स हो, सेकंड ईयर का कोर्स हो, थर्ड ईयर का कोर्स हो, न्यू एडमिशन जिनका हो रहा है उनका भी, तो क्लासेस 1 नवंबर से स्टार्ट करने का आदेश जारी कर दिया गया था। तो अब MHA की जो गाइडलाइंस हैं उनमें भी 15 अक्टूबर से फेस्ड मैनर में खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे इसके ऊपर कोई भी नई जानकारी आएगी तो मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही।